एक कला विद्यार्थी जब ह्यूमन एनाटॉमी को ड्रॉ करना स्टार्ट करता है तो वो पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेचर को ड्रॉ करने लग जाता है और धीरे धीरे ह्यूमन फेस के फीचर्स और उसके एक्सप्रेशन को समझने लग जाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करता है और फुल फिगर पे आता है तो उसको कई अलग अलग तरह की परेशानियाँ आती हैं। जैसे जैसे वो ड्रॉ करता है उसमें हाथ और पैर के जेस्चर्स को और फॉर्म को ड्रॉ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके प्रति उसकी स्टडी उस तरह से नहीं की हुई होती और उसकी वजह से वो उन हाथ और पैरों को अवॉइड करके पूरी फिगर को कंप्लीट करने का प्रयास करता है जिससे उस ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रक्चर के एक्सप्रेशंस में कमी आ जाती है और वो स्ट्रक्चर या वो बॉडी पूरी तरह से ड्रॉ की हुई नहीं दिखाई देती, नहीं समझ आती और वो हमें अधूरी लगती है। आमतौर पे सभी कला विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी की समस्याएं आती हैं और मेरे लिए भी वो समस्याएं थी। जब मैं ड्रॉ करता था तो धीरे धीरे ह्यूमन फेस को या फीचर को ड्रॉ करने लग गया था लेकिन जैसे जैसे मैं फुल फिगर पर आता तो मेरी एनाटॉमी और स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ जाता और जब हाथ और पांव बनाने की बात आती तब मैं उसको नज़रअंदाज करने लगा था। तभी मेरे एक टीचर आए, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि संजय इस अपनी कमजोरी को ओवरकम करो क्योंकि आमतौर पे कलाकार जब हाथ और पैर बनाने की बात आती है तो उसमें लाइन स्ट्रोक्स या सजेशन देकर छोड़ देते हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पेंट करने से अवॉइड कर जाते हैं। मैंने उसी समय क्लास में अपना काम करना बंद कर दिया और मैं हॉस्टल गया। हॉस्टल जाके 2-3 घंटे मैंने सोने के बाद शाम को अपने फ्रेंड्स को अपने रूम में बुलाया और उनको बिठा के हाथ और पैर की स्टडी करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी स्टडी बढ़ती गई, मेरी उस हाथ और पैर को समझने की क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई कि कहाँ से मैं इन हाथ और पैरों की फॉर्म को देखूं, कैसे इनको समझूं, कैसे एक उंगली की डायमेंशन को क्रिएट करूं और वो उंगली हाथ या उससे जुड़े हुए अंगूठे या पूरे के पूरे हाथ के एक आकार को अलग अलग तरह से समझूं, उसको ड्रॉ करूं और उसके अलग अलग एंगल देखूं कि वो किस एंगल पे किस तरह से दिखाई देता है और जिस तरह से वो दिखाई देता है उसको मैंने ड्रॉ कैसे करना है। तो मेरे इस कोशिश के अंदर, मेरे इस प्रयास में विशाल ने बड़ी मदद की जो मेरे लिए लगभग एवरीडे आके मॉडल बनता था और मेरे लिए अपना समय निकालता था। जब मैंने हाथ और पैरों की ड्राइंग करना शुरू कर दिया तो लगभग 1.5 साल के इस प्रयास के बाद मैंने अपनी उन ड्राइंग्स को पेन एंड इंक में करना शुरू किया और पेन एंड इंक में करते करते मैंने एक सीरीज एक्सीडेंट्स की बनाई, एक्सीडेंट इन ड्रीम्स। फिर वो ड्राइंग 1995 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई और उसी के थोड़े समय बाद वो मेरे काम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने भी खरीदे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इस अचीवमेंट ने मुझे इन हाथ और पांव की जेस्चर्स को, फॉर्म को समझने के लिए और अधिक प्रेरित कर दिया। जब मैं करते करते एक जगह पहुंच गया जहां पर मुझे हाथ और पांव की ड्राइंग करनी सहज लगने लग गई तो मेरे लिए अब सेकेंड चैलेंज था कि मुझे पूरे के पूरे ह्यूमन आकार को एक साथ ड्रॉ करना एक परफेक्ट रेशियो प्रोपोर्शंस के साथ। फिर वो एक पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद वापस मैंने हाथ और पांव को ड्रॉ किया, फिर जाके मैंने पूरी ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना शुरू किया और मेरे रेशियो प्रोपोर्शंस परफेक्ट होते गए, उनमें एक्सप्रेशंस आने लग गया, उनमें एक पूरी बॉडी लैंग्वेज, एक पूरा ह्यूमन बॉडी का जेस्चर दिखाई देने लग गया जो मेरे लिए एक बड़े सपने को साकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये एक पाँव की शेप मैंने मुड़े हुए की बनाई है जिसमें फीमर बोन और दोनों पाँव की बोन टिबिया और फेबुला को बनाया है, सार्टोरियस मसल्स और उसके साथ पैर का कैसे कॉम्बिनेशन बनता है वो एक इसके अंदर एनाटॉमी की ड्राइंग है। फिर उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की कि क्यों ना मैं जू में जाकर बंदरों को स्केच करूं। फिर मैंने चिड़ियाघर में जाकर बंदरों को स्केच करना शुरू किया क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि मेरे को अगर ह्यूमन बॉडी को
प्रॉपरली समझना है और ड्रॉ करना है तो मुझे आदि मानव की तरफ जाना पड़ेगा। जब मैंने अपनी इन ड्राइंग्स को देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस मानव आकृति में ऐठन आ रही है या मेरी फिगर रिजिड होती जा रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहली हड्डी 2 सेंटीमीटर, तीसरी 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर अंदर जो हथेली के अंदर होती है 8 सेंटीमीटर। तो उस तरह से मैंने लेके स्ट्रक्चर को उसी रेशियो प्रोपोर्शंस में लेकर इसको हाथ को पूरे को बनाया है, जिसके अंदर पूरे मसल्स और दोनों हड्डियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अपनी इस रिजिडिटी को दूर करने के लिए मैंने फिर मेंढक को स्टडी करना शुरू किया और मेंढक की एनाटॉमी और उसकी सॉफ्टनेस और उसके रिदम को समझने से मेरे ड्राइंग्स के अंदर रिदम और मूवमेंट और ज़्यादा बेहतर आने लग गया, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत थी ह्यूमन एनाटॉमी को, आकार को ड्रॉ करने के लिए। इन वीडियोज को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको एक लाइव ड्राइंग करके दिखाऊंगा। कृपया हमारे बाकी वीडियोज भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इन वीडियोज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। धन्यवाद।